एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने फैमिली और उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स को। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, फर्स्ट करेक्टर जो है वो फैमिली का है कि फैमिली इज़ अ यूनिवर्सल ग्रुप, इट इज़ फाउंड इन सम फॉर्म और अदर फॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, वेदर प्रिमिटिव और मॉडर्न। फैमिली जो है एक यूनिवर्सल ग्रुप है। यूनिवर्सल ग्रुप मतलब ये पूरी दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं हर सोसाइटी में पाया जाता है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ से लेकर मॉडर्न सोसाइटीज़ तक हर सोसाइटी में फैमिली जो है वह एग्जिस्ट करती आई है शुरू से। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है लेकिन ये एग्जिस्ट हर सोसाइटी में ही करती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ग्रुप है, मतलब ये दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। सेकंड, इसके खसूसियत ये है कि फैमिली इज़ बेस्ड ऑन मैरिज, यानी कि फैमिली तब बनती है जब सोशली अप्रूव्ड बॉन्ड हो मेल और फीमेल के दरमियान, यानी कि शादी का रिश्ता हो। उसके ज़रिए से फिर शादी जब हो जाती है फिर मेल और फीमेल के दरमियान मेटिंग के बाद जो है वो फैमिली जो है वो जनरेट होती है। थर्ड पॉइंट है कि एवरी फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद द नेम एंड हेंस इट इज़ अ सोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर। फैमिली जो है एक इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, एक नाम देती है, तो ये एक नोमेनक्लेचर का सोर्स है। फोर्थ पॉइंट है, फैमिली इज़ अ ग्रुप थ्रू विच डिसेंट और एंसेस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड। फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जिसके ज़रिए से आपके आबाओ अजदाद को ट्रेस किया जा सकता है, यानी पता चलता है कि ये इस नस्ल का बंदा है, यानी आपके फादर, फॉर फादर, आपकी जो मतलब जनरेशन, आप किस जनरेशन से चले आ रहे हो, आपकी उस जनरेशन को, आपकी एंसेस्ट्री को ट्रेस किया जा सकता है फैमिली के ज़रिए। फिफ्थ पॉइंट है, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ। हर शख्स की ज़िंदगी में जो है फैमिली वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है इसकी सिक्स पॉइंट में, ये है कि फैमिली इज़ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। सोशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप अपनी सोसाइटी में रहना सीखते हो। बेसिकली आप एक ह्यूमन बींग से एक सोशल बींग बनते हो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो फैमिली जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक ग्रुप है जो कि आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन करता है, आपको बताता है कि आपने सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या कल्चर है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी सोसाइटी से लर्न कर रहे होते हो। नेक्स्ट सेवन पॉइंट है, अ फैमिली इज़ जनरली लिमिटेड इन साइज़, इवन लार्ज जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिलीज। फैमिली जो है लिमिटेड साइज़ होता है, चाहे वो लार्ज फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, लेकिन फिर भी उसका जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जॉइंट, एक्सटेंडेड और न्यूक्लियर फैमिली वगैरह क्या होती है, तो किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं रिवाइज कर देती हूँ। जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जहाँ टू जनरेशन्स हो, मतलब बच्चे हों और उनके बच्चे हों, यहाँ सिर्फ दो जनरेशन्स होंगी। जबकि जो एक्सटेंडेड फैमिली है यहाँ पर थ्री जनरेशन्स होती हैं, यानी दादा दादी भी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके स्पाउसेस हैं, फिर उनके बच्चे हैं, मतलब थ्री जनरेशन्स होती हैं एक्सटेंडेड फैमिली में, जबकि जॉइंट फैमिली में सिर्फ टू जनरेशन्स होती हैं। तो ये इसमें फ़र्क है। और न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ एक फैमिली होती है, हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे जो हैं वो रह रहे होते हैं, और इनका साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है, द फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन सोसाइटी, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स। फैमिली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है सोसाइटी में, और ये तमाम इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस और जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं उसका न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट पॉइंट है, द फैमिली इज़ द यूनिट ऑफ इमोशंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फैमिली जो है वो आपको इमोशनली सपोर्ट करी होती है, इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट करी होती है, जैसे कि फैमिली जो है आपकी एजुकेशन का जो जितना भी खर्चा होता है वो उठाना, आपकी खाना पीना, ये सारी जो आपके इकोनॉमिक अखराजात होते हैं वो फैमिली जो है वो उठा रही होती है। तो फैमिली का एक ये खसूसियत है कि आपको इकोनॉमिकली और इमोशनली सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच मेंबर ऑफ फैमिली शेयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर फैमिली में डिफरेंट लोग होंगे, वो डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रहे होंगे, उनकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जैसे मदर की ड्यूटी होती है, उन्होंने घर में खाना बनाना होता है, टेक केयर करनी होती है, बच्चों की परवरिश करनी होती है। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उन्होंने बाहर जाकर कमाना होता है, बच्चों की जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको बेयर करना होता है। तो हर मेंबर का कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट होता है, कुछ ना कुछ रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं जो कि वो मिलजुल कर
पूरा कर रहे होते हैं। देन 11th पॉइंट है, एवरी फैमिली इज़ मेड अप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड और वन और मोर देन चिल्ड्रन बोथ नेचुरल और अडॉप्टेड। फैमिली जो है हस्बैंड और वाइफ के एक रिलेशनशिप की बेस्ड पर बनती है, और चाहे वो बच्चों को अडॉप्ट करें, चाहे वो पैदा करें, चाहे वो एक बच्चा हो चाहे ज़्यादा हो, ये फैमिली कहलाती है। ईच फैमिली इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सोशल रोल्स लाइक दोज ऑफ हस्बैंड वाइफ मदर फादर चिल्ड्रन ब्रदर्स और सिस्टर। मतलब फैमिली में वही जिस हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि डिफरेंट लोग होंगे, हस्बैंड होगा, वाइफ होगी, मदर फादर चिल्ड्रन सिस्टर ब्रदर, सबके जो हैं वो अपने अपने रोल होंगे जो कि उनको परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फैमिली इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। मेटिंग, प्रोक्रिएशन, मेटरनल एंड फेटरनल, डिवोशन, लव एंड अफेक्शन आर दी बेसिस ऑफ फैमिली टाइज। यानी फैमिली जो है इसमें आपके इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स की बेस पर जो है वो फैमिली बनती है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली। फैमिली इज़ अ यूनिट थ्रू विच प्रोक्रिएशन टेक प्लेस। यानी कि प्रोक्रिएशन ये कि नस्ल आगे बढ़ना, फैमिली के ज़रिए से एक हम कह सकते हैं कि नस्ल की अफजाइश होती है, मैरिज सेंक्शन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, एंड इट आल्सो एस्टैब्लिशेस अ फैमिली विच इज़ फर्दर रीइंफोर्स्ड विद द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। मतलब मेल और फीमेल के दरमियान जो है वो जब शादी हो जाती है तो फिर उनके दरमियान मेटिंग होती है, और इससे जो है उनकी फैमिली फर्दर प्रोसीड होती है। तो फैमिली का फंक्शन क्या है कि एक नस्ल अफजाई होती है इसे। सेकेंड पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड इन अ फैमिली। द फैमिली लेजिटिमाइज द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। फैमिली जो है ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। इसके अलावा फैमिली में ये जो बच्चों वगैरह को पैदा वगैरह करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो जायज़ करार दी जाती हैं। थर्ड पॉइंट है, फैमिली हेल्प्स इन प्रोपेगेशन ऑफ हुमन स्पीशीज एंड परपेचुएशन ऑफ हुमन रेस। यानी ये हुमन स्पीशीज और हुमन रेस की सर्वाइवल का एक जरिया होती है फैमिली। द नेक्स्ट पॉइंट है, फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद एन आइडेंटिटी। फैमिली जो है वो एक इंडिविजुअल को एक शनाख्त प्रोवाइड करती है। उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका नाम, उसका ख़ानदान, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आइडेंटिटी होती हैं, जो आपको आपकी फैमिली से मिलती हैं, जो कि एस्क्राइब्ड होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ थ्रू द फैमिली दैट एवरी फैमिली नेम इज़ कैरीड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी ये नस्ल कशी का एक ज़रिया होता है, बाप दादा का नाम जो है वो आगे चलता जा रहा होता है। तो फैमिली जो है अपनी एक पहचान बरकरार रखती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपना नाम ट्रांसफ़र करके। देन सिक्स पॉइंट है, फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली जो है वो बच्चों की पैदाइश और उनकी अपब्रिंगिंग यानी कि उनकी परवरिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन सेवन्थ पॉइंट है, फैमिली इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ये हमने जो है करेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था कि फैमिली जो है वो हमारी सोशलाइजेशन करती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का फैमिली। द प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टेक प्लेस विद इन अ फैमिली। यानी आपकी जितनी भी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसे कुछ भी नहीं पता होता, इवन उसने चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है, ये सारी चीज़ें जो हैं फैमिली उसको सिखा रही होती है। तो हमारी जो बहुत बेसिक प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है वो हमारी मदर कर रही होती है फैमिली में, तो उस तरह की जो सोशलाइजेशन है वो हमारी फैमिली के अंदर ही पॉसिबल है। द इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स टीच ऑल द बेसिक रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ टू द चाइल्ड। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमें हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ वगैरह के बारे में सिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फैमिली इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। हमारा कल्चर ट्रांसफ़र करती है फैमिली। हम जैसे अब हमारे कल्चर में, और अगर हम पाकिस्तान के अंदर ही बात करें, पंजाब के कल्चर में और केपीके के कल्चर में या पठानों के कल्चर में काफ़ी फ़र्क होता है। उनकी लैंग्वेज, उनका ड्रेसिंग पैटर्न, उनकी फ़ूड हमारे से चेंज होती है, हमारा लिविंग स्टाइल और तरह का उनका और तरह का। तो कल्चर ट्रांसफ़र कर रही होती है फैमिली आपके अंदर। कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू फैमिली। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कल्चर ट्रांसफ़र होता है वो फैमिली के ज़रिए होता है। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर आर लर्नड विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर। यानी एक कल्चर जो है हमें जो आया है वो हमारी फैमिली से ही आया है। तो फंक्शन क्या है फैमिली का यहाँ पे कि वो हमें कल्चर ट्रांसफ़र करती है। नाइन्थ पॉइंट है, फैमिली इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, इमोशन एंड साइकोलॉजिकल फॉर इट्स मेंबर्स। ऑल द मेंबर्स आर अवेयर दैट दे कैन डिपेंड अपन देयर फैमिली इन देयर टाइम ऑफ नीड। यानी जब आपको ज़रूरत होती है तो आपको पता है कि आपके फैमिली मेंबर्स ने ही आपको हेल्प करना है। फैमिली आपको एक स्ट्रेंथ देती है, एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है।
टेंथ पॉइंट है फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद ए होम एंड इस्टेब्लिश्ड इंड्योरिंग सोशल रिलेशनशिप। फैमिली का पर्पस ये भी होता है, फंक्शन ये भी होता है कि वो आपको एक घर प्रोवाइड करती है और सोशल रिलेशनशिप्स वगैरह इस्टेब्लिश करती है। नेक्स्ट 11th पॉइंट है द फैमिली इज़ द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर वेयर ऑल मेम्बर्स हैव देयर ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड ईच अदर। फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर होती है यानी टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है, हर बंदे को कुछ काम असाइन किए जाते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि हर मेम्बर जो है वो पूरी कर रहा होता है। देन 12th पॉइंट है फैमिली फुलफिल्स द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ इट्स मेम्बर। दिस फंक्शन हैज़ अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन विद फैमिलीज मूविंग फ्राम बींग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन यूनिट्स इन अर्लियर टाइम टू बिकमिंग मोर ऑफ कंज्यूमिंग रेदर देन अ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग वन। मतलब यहाँ बेसिकली यही है कि हमारी इकोनॉमिक नीड्स पूरी करती है फैमिली। जैसे हमने पहले बात की कि शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, हमारी ज़रूरियात को पूरा करना, ये फंक्शन है फैमिली का। देन 13th और लास्ट पॉइंट है कि फैमिली इज़ ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों की तालीम के लिए फैमिली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये कुछ फंक्शंस और हमने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं फैमिली की। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।